पूरी कहानी 3 महीने पहले शुरू हुई, 5th June 2020, जब मैंने जीरोधा से अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला। उस ट्रेड अकाउंट में मैंने फ्यूचर ऑप्शंस में डील करना शुरू किया, जहां पे मैं दिन का 1,000-1,200 रुपए निकाल ही लेता था। आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर एक दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे। न्यूज थी कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, बैंक बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और सब बोल रहे थे कि स्टॉक गिरेगा। मुझे खुद लगा कि स्टॉक गिरेगा। जब रिजल्ट्स आए उसके अगले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक गया 4% ऊपर। आई थॉट दिस द परफेक्ट टाइम। मैंने 1,000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। माइंड यू, हर 1 रुपए गिरने पे मुझे 1,000 रुपए मैं कमाता। और ये पैसे मैंने कहां से अरेंज किए थे? मैंने जीरोधा से पैसे ले रखे थे मार्जिन पे। मेरे खरीदने के बाद वो शेयर उस दिन और ऊपर चला गया। मैं डर गया, मैंने 2,000 शेयर और शॉर्ट कर दिया। उसके बाद शेयर 2 रुपए और ऊपर चला गया। मेरी हालत इतनी खराब हो गई जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा लॉस कम हो, और मुझे यकीन था कि स्टॉक नीचे आना चाहिए बिकॉज सब इसके बारे में बोल रहे हैं। मैंने 5,000 शेयर्स और शॉर्ट कर दिया और इस बार स्टॉक 2 रुपए से नीचे आ गया। मुझे लगा फाइनली अब टाइम है जब स्टॉक नीचे गिरेगा। वो टाइम था दिन के 2:30, एंड उस टाइम के बाद स्टॉक इतनी बुरी तरह भागा कि मेरा पूरा मार्जिन वाइप आउट हो गया। और एक ही दिन आई हैड अ लॉस ऑफ 66,000। एक दिन में 66,000 का नुकसान। और अगर इन्हीं जेंटलमैन की बात माने तो ये दिन का 1,000-1,200 कमा रहे थे। इसका मतलब आप ये लगा लीजिए, 2 महीने की जो इनकी इनकम थी, टू करेक्ट माई सेल्फ, 2 महीने का जो प्रॉफिट था इनका, वो पूरा का पूरा साफ। ट्रेडिंग में ऐसा ही होता था, होता है और होता रहेगा। ट्रेडिंग ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग देख के सोचते हैं बस ट्रेडिंग कर ली तो घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ, सारी खुशियां हाथ में। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग का सच जो रियलिटी में हो रहा है। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी बुरी लगे और थोड़ी ऑफेंड भी करे, बट गोयला का काम ना आपको ऑफेंड करना है ना ही आपको खुश करना है। गोयला का काम है आपको सिर्फ और सिर्फ सच बताना। ये कहानी है मोहित मेहता की, जो 32 ईयर ओल्ड डेंटिस्ट है। पढ़े लिखे होंगे, 32 कोई यंग एज नहीं है। इनका 4 लाख का पोर्टफोलियो था जो रह गया सिर्फ 20,000-30,000 रुपए। अब डॉक्टर है, उन्होंने सुना कोविड के बारे में, उन्होंने ये एनालाइज कर लिया कि देखो यार कोविड आ रहा है, सिचुएशन खराब होगी, इकोनॉमी की हालत खराब होगी, ये जो बीमारी है कोविड ये भारत में फैलने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा रखती है, और शायद बीइंग अ डॉक्टर ही न्यू कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इसको कम्प्लीटली संभाल भी ना पाए। जो हुआ, उन्होंने ये सोच के पुट ऑप्शंस खरीद लिए इंडेक्स में, ये बेट लगाया कि देखो मार्केट साफ गिरेगा ही गिरेगा। वेल, मार्केट एक्चुअली गिर गया आफ्टर कोविड, जिसकी वजह से जो मोहित मेहरा का पोर्टफोलियो था वो 4 लाख तो हुआ, उल्टा उसके ऊपर भी चला गया। ट्रेडिंग में दोबारा इंटरेस्ट आ गया, इंटरनेट में 2-3 चीजें देखने लगे। उनको मिल गए कोई स्टॉक मार्केट गुरु जो उनको टिप्स देता था। मोहित ने बोला कि सर स्टार्टिंग में उनकी टिप्स यूज की, सब क्या बहुत अच्छा था, मजा आया, बट बाद में उनकी टिप्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग। मोहित उनको बोलते थे अरे टिप गलत हो रही है, बोलते नहीं होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। मोहित का पोर्टफोलियो उनकी टिप्स के स्टॉक्स के बाद ऑलरेडी 40% डाउन था। इतने सालों बाद सेम लॉस की सिचुएशन। मोहित सेड मैं अपने माँ बाप के सामने टूट गया, मैंने कभी ऐसा लॉस सहा ही नहीं है। ऐसी कहानियां आपको लाखों की तादाद में सुनने को मिलेंगी। आप कोरा में और देखिए, आई हैव लॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, इज देयर एनी वे बाय विच आई कैन मेक कंसिस्टेंट मनी आउट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग? आई हैव लॉस्ट 15,000 इन अ सिंगल डे बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग, दैट इज ह्यूज लॉस फॉर मी, कैन एनीवन सजेस्ट मी? आई लॉस्ट ऑल माय मनी इन ट्रेडिंग ऑप्शंस, फीलिंग स्कैरी अबाउट फ्यूचर, व्हाट शुड आई डू? माय लाइफ इज ओवर। और आपको ऐसी स्टोरीज भी देखने को मिल जाएंगी जहां पर लोगों ने एक्चुअली सुसाइड कमिट कर लिया है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके साथ सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानियां ना बड़े बड़े इन्वेस्टर साथ हो चुकी है। ये कहानी खुद विजय केडिया सर के साथ हुई थी। मैंने विजय केडिया सर पे वीडियो बनाई थी, आप एक बार ये सुनिए। जब ये 70,000 रुपए खो चुके थे हिंदुस्तान मोटर्स में सिर्फ 2-3 दिनों में, विजय केडिया सर की मदर को ज्वेलरी बेचनी पड़ी कि वो अपने बेटे के लॉस से संभाल पाए। हाँ, आगे जाके विजय केडिया ने वो पैसे वापस निकाल तो लिए, बट जो एक्सपीरियंस था
अपनी मदर की ज्वेलरी बिकवा देना ये इनके लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था, इन्होंने डिसाइड किया इनको ट्रेडिंग करनी नहीं है और इन्होंने ट्रेडिंग वहीं पे छोड़ दी। और अगर आपको इन कहानियों पे भी यकीन नहीं है तो आप सेबी की रिपोर्ट देखिए, जहां पे सेबी क्लियरली स्टेट कर रहा है, बता रहा है चीख चीख के कि 90% ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। और जो ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है भी ना, जिनका पास थोड़ा बहुत भी प्लस में, क्या वो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं? अब इस सबको साइड में छोड़ो, सबको हटाओ, आप मेरे साथ बैठो, लेट मी लॉजिकली एक्सप्लेन ट्रेडिंग। जब पहली बार कोई आदमी स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में सुनता ना यार, स्टॉक ट्रेडिंग एक उम्मीद देती है एक इंसान को, एक हौसला देती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मैं घर से कर सकता हूँ, अपने कंफर्ट में कर सकता हूँ, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं करोड़ों पैसे छाप सकता हूँ, एक उम्मीद। स्टॉक मार्केट में सब इस उम्मीद के साथ ही तो आते हैं। मैं खुद इस उम्मीद के साथ एंटर किया था स्टॉक मार्केट में 2010 में। मैं भी जब एंटर किया था मुझे क्या चाहिए? ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। बट जब भी कोई आदमी स्टॉक मार्केट्स में एंटर करता है ना ट्रेडिंग में, मैं आपको उसका लाइफ साइकिल बता रहा हूं, उसके सिर्फ दो ही एग्जिट होते हैं। एग्जिट नंबर वन, वो ट्रेडिंग में सब पैसे हार जाएगा और वो ट्रेडिंग को बोलता रहेगा तो गैम्बल है, जुआ है, खत्म है। और वो ट्रेडिंग तब तक करता रहेगा जब तक वो फुल्ली खत्म ना हो जाए, बिकॉज ट्रेडिंग एक टाइम पे एडिक्शन बन जाती है। एग्जिट नंबर टू, वो आदमी समझ जाएगा कि एक्चुअल पैसा स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग से नहीं, इन्वेस्टमेंट से बनता है। इसलिए एवरी ग्रेट इन्वेस्टर वॉज अ ट्रेडर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हु रियलाइज कि एक्चुअल पैसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही बनते हैं और कोई तरीका है ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, एक सेकंड मेरे साथ रहो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखो। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू माई परस्पेक्टिव और पूरा एक्सपीरियंस। 2010 से मैं मार्केट्स में हूं, मुझे 14 साल हो गए। अब 14 साल हो गए तो आप समझ सकते हो मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं, मैं मिल रहा हूं, कोई ना कोई मुझे ट्रेडर तो अपने आसपास मिल गया होगा। और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जहां मुझे लगता है अरे यार ये आदमी कितना कमा रहा है, मैं हैरान फैंसी, वो मुझे स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं हर रोज, मैं उनके पास जा रहा हूं 2:30 बजे, ये देखो आज इतना कमाया, ये देखो इतना कमाया, बैलेंस शीट दिखा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं, एंड आई एम शॉक्ड, आई एम लाइक वाओ दिस इज द लाइफ आई वांट टू लिव। और जब स्टार्टिंग में घुस रहा हूं मार्केट्स में यही लगता है यार, बट अगेन मुझे आज मार्केट्स में 14 साल हो गए हैं, आज तक माइंड यू मैंने कोई ट्रेडर से नहीं मिला, मैंने किसी ट्रेडर से बात ही नहीं की, मैं देखा ही नहीं किसी को जो 2 साल से ज्यादा इंडेक्स को बीट कर रहा हो। छोटे मोटे प्रॉफिट सबके जाते हैं, एक प्रॉफिट में आप 100% में निकालोगे, 50% में निकालोगे, वो हो जाता है, वो पॉसिबल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो, उसमें लक भी प्ले कर जाएगा फैक्टर आपका यार। ट्रेडिंग में डिफिकल्ट चीज क्या है कि आप कंसिस्टेंटली इंडेक्स को बीट करो, कंसिस्टेंटली कमाओ, ये कौन है? मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे 14 साल हो गए मार्केट में, मैंने किसी को नहीं देखा जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है, इंडेक्स को बीट करा है 2 साल से ज्यादा पीरियड के लिए, कोई है ही नहीं। क्योंकि जो आपको पहली स्टोरी याद है, 1,000-1,500 हर महीने कमा रहा हूं, फिर 66,000 का नुकसान एक झटके में, सारे पैसे साफ, ट्रेडिंग में होता ही है, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट। और आप मेरी बात मत मानो, अपने आसपास देखो, इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप ट्रेडर हो, हाथ रखो यहां पे, मुझे बताओ अगर आपने मार्केट्स में एंटर किया, मैं मान रहा हूं 2020 में आपने एंटर किया है, हाथ रखो यहां पे, मुझे बताओ आज तक जो आपका ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकला है क्या वो इंडेक्स के प्रॉफिट से ज्यादा है? आर यू बीटिंग द मार्केट्स ऑन लॉन्ग टर्म? सेबी का आंसर मुझे पता है, 90% तो चलो ट्रेडर्स प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, तो उनकी बात नहीं कर रहे, जो 10% भी प्रॉफिट कमा रहे हैं ना, क्या वो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं? आसपास कोई है? मेरे पास कोई क्वांटिटेटिव है नहीं इसको प्रूफ करने के लिए, बट आपके आसपास कोई है या आपने खुद कर रखा है ऐसा? तो हु आर यू बिलीविंग, आप किसको सुन रहे हो? अब बात आ जाती है सर ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स की। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर कम्युनिटी में, उसमें से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स भी हैं एंड दे आर ग्रेट पीपल। एंड हो सकता है कुछ लोग उनमें से ऑफेंड हो जाए वीडियो देखे, बट मेरा इंटेंशन इज नॉट टू ऑफेंड एनीवन, मेरा इंटेंशन बस सिंपल है कि भाई आपको मैं सच बता दूं। सच ये है, इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो ट्रेड कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो अपने पीएनएल आपको दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं देखो आज 10 लाख कमाए, ओ आज देखो इसको शॉर्ट कर दिया इतने पैसे कमाए, जो सब दिखा रहे हैं राइट, लॉजिकली आप सोचना, पहले आप उनको स्टडी करो, आप देखोगे पहले दे वर नॉट इवन इन स्टॉक मार्केट्स, वो कुछ और काम कर रहे थे, जब से ट्रेडिंग का क्रेज आया तब से ये खुद ट्रेडिंग में कूद गए और ट्रेडिंग में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो ये भी मैंने मान लिया कि अब ट्रेडिंग में आपको शौक आ गया, उसमें कुछ भी गलत नहीं। आगे जाते हुए अब आप देखोगे इतने बस्ट हो रहे हैं, अभी जैसे संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा सर के पूरा फाइट हम सबको पता ही, इंटरनेट में सब हो रहा है, अब सबने विवेक बिंद्रा सर पे क्वेश्चन उठा दिया, लोग MLM पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। अब विवेक बिंद्रा सर गिल्टी है नहीं है वो नहीं पता मुझे, और वो डिस्कशन भी नहीं है, वो जब पता चलेगा तब पता चल जाएगा। बात ये है MLM पे क्वेश्चन आ गया, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स जो हो रही है उन पे क्वेश्चन उठ गया। सच ये दोस्त कि कोई भी आदमी कभी भी कुछ चीट करता है ना, सच सामने बाहर आ ही जाता है। और आप लिख के ले रहे हो मुझसे, ये एक एक करके जो ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर, जो बड़े बड़े ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर है ना, इन सब का एक दिन भांडा फूटेगा, सबका, कैसे करेगा कौन करेगा नहीं पता, बट फूटेगा जरूर, बिकॉज ये कार्मा है,
ये कर्म का लॉजिक है और ये मैं इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली बिलीव करता हूँ। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स जो आपको बता रहे हैं, आर दे ट्रेडिंग देमसेल्व्स? नो, ट्रस्ट मी, नो। मोस्ट ऑफ देम इफ नॉट ऑल आर प्राइमरली इन्वेस्टर्स, बिकॉज वो भी समझते हैं असली पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। और जैसे जैसे इन ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स पे बस्ट हो रहा है ना, अब आप एक और चीज नोटिस करोगे, हो सकता है जो आपका फेवरेट ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर है वो ट्रेडिंग पे कंटेंट बना ही नहीं रहा है, उन्होंने कंटेंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, वो कुछ और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और कर रहे हैं, दैट इज ग्रेट। अगेन आई डोंट हैव एनीथिंग बैड फॉर एनीवन, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने लोगों को वैल्यू दी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स लाइक उनकी भी गलती नहीं है, अगर कोई बोल रहा है कि भाई मुझे चाहिए, मार्केट में कोई ना कोई वो बेचने के लिए तो आएगा ही आएगा ना, वो उम्मीद, ट्रेडिंग ऐसी एक उम्मीद है। बट आप खुद सोचो जो एड्स देखते हैं, ठीक है, 25-26 साल के लड़के या 18-19 साल के लड़के जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, सर एक्सपर्ट, सबको धज्जा उड़ा दी, ये एक्सपर्ट बन चुके हैं, वो आएंगे आपको फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे या एड में यूट्यूब में, इतने खोख के तो मैं ऐसे कमा लेता हूँ, इतनी पेटियां एक घंटे में अंदर, ये मर्सिडीज उसमें अंदर। अगर आप मर्सिडीज देख के इंप्रेस हो रहे हो, जिसमें जनरली आज के फाइनेंसिंग टाइम में खरीदना बिल्कुल भी कुछ मुश्किल चैलेंज नहीं है, ठीक है, अगर आप वो इंप्रेस हो रहे हो कि 26-25 साल का लड़का वो बता रहे ट्रेडिंग की नई स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी, खुद सोचो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ हैं। मुझे मार्केट में 14 साल हो गए, मैंने किसी को प्रॉफिटेबल नहीं देखा आज तक ट्रेडिंग में, जो 2 साल के ऊपर इंडेक्स को बीट करो, मैंने नहीं देखा। मुझे कोई हो तो आप मुझे प्लीज दिखाना। और बड़े बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर ट्रेडिंग के लिए मना कर करके थक गए, चार्ली मंगर उन्होंने तो पूरा बताया था कि कैसे ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर लोगों का मतलब बैंड बजा रहे हैं, कि इट्स द बिगेस्ट जोक कि कोई तुम्हें बोल रहा है कि तुम पैसे दो ट्रेडिंग से लो। राकेश झुनझुनवाला सर बिफोर ही पास्ड अवे, किसी इंटरव्यू ने राकेश झुनझुनवाला सर से पूछा कि क्या ट्रेडिंग मतलब व्हाट इज द वर्स्ट थिंग समबडी कैन डू इन स्टॉक मार्केट्स, राकेश झुनझुनवाला सर सेड ट्रेडिंग, तो फिर इंटरव्यू आपसे बड़ा तो खुद ट्रेड करते हो, मतलब राकेश झुनझुनवाला सर क्या बोलते हैं कि यार यही तो छोड़ती नहीं आदत। If you take the modern world where people are trying to teach you how to come in and trade actively in stocks, well, I regard that as roughly equivalent to trying to induce a bunch of young people to start off on heroin. It is really stupid. And I would say don't trade, because if 10 lakh come to the market, 9,99,990 say that they made money. Yeah. And I know 9,99,990 are lying. Because very few make money in trading, right? And they will say, aap khatka karte hai, aap ko mana karte hai. मैं बोला पापा बिस्की पीते थे हमको मना करते। So, I mean, I will advise you and most of you all know the result of trading. But people find it exciting. विजय खेड़िया सर कितने वो तो गाने या पैडीज बनाने, ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग से बर्बाद, ट्रेडिंग बर्बाद, बस हमें सुनना ही नहीं है। मैं 150 बुक के ऊपर पढ़ चुका हूँ, कहीं भी आपने कहीं सी बुक में किसी बड़े इन्वेस्टर को सुना है कि भाई ट्रेडिंग करो ट्रेडिंग बेस्ट है? कहीं भी आपने कहीं भी सुना है? मेरी बात लिख के ले लो, आपको सुनोगे भी नहीं। और कभी कभी एक दो लोग आ जाते हैं ना कि अरे ये ट्रेडिंग में एक्सपर्ट है, दिस पर्सन ऑन दिस मच विद ट्रेडिंग, ये सिर्फ कहानियां हैं यार, ये कुछ टाइम पे सब लिपट जाती है। आई टेल यू हाउ, जब क्रिप्टो करेंसीज था, क्रिप्टो करेंसी एनएफटी का फेज आया था, आप खुद सोचना, एवरीवन बिकेम क्रिप्टो एनएफटी एक्सपर्ट, आने लग गया कि दिस 25 साल का आदमी हैज मेड दिस मच मनी विद क्रिप्टो, दिस 21 साल का आदमी हैज दिस मच मनी विद एनएफटीज। वो लोग कहाँ हैं आज, उनके बारे में कोई जानता है? ये झटके से अमीर होने का फायदा नहीं है, द फायदा क्या, मतलब आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अमीर हो, जो कंसिस्टेंट बेसिस में, तभी तो आदमी अमीर कहलाता है, वेल्दी कहलाता है। एंड इट्स अ जोक, इट्स ऑनेस्टली अ जोक जो लोगों को बोल के बेच रहे हैं कि एक दिन में आप इतना कमा लोगे, 3 महीने में इतने लाख कमा लोगे, इट इज ऑनेस्टली अ जोक। बट ये जोक उनके लिए जो मार्केट्स में एक्सपीरियंस्ड है, जो नया बंदा आया है उसके लिए तो ये उम्मीद है। और मैं जानता हूं आपको लग रहा हो कि गोला हाउ कैन यू से दिस, तुम मेरी उम्मीद कैसे छील सकते हो, आई हैव टू टेल द ट्रूथ। इसके बाद अब स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। यू माइट थिंक कि गोला क्या बात करो स्ट्रैटेजी, कोई आपको बोलेगा दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, माय स्ट्रैटेजी खत्म, इससे बेटर कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं। ऐसी यू जेन्युइनली थिंक ऐसी कोई स्ट्रैटेजी जो ट्रेडिंग बेस्ट है? सी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वो पैसा क्यों हारते हैं? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देम वो ट्रेडिंग कर भी नहीं रहे, अनफॉर्चुनेटली वो टिप्स में खेल रहे हैं, सट्टों पे खेल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, तो फैक्ट तो यही है। तो अगर आप कोई बेसिक ट्रेडिंग प्रिंसिपल भी यूज कर लोगे ना, आपकी कुछ कंसिस्टेंट रिटर्न्स आ जाएंगी, बट ट्रेडिंग कैन नेवर बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा और मैंने खुद ने ट्राई किया, इट कैन नेवर बी योर मेन सोर्स ऑफ इनकम। ट्रेडिंग ना आपको इनिशियली हेल्प करेगी इनकम जनरेट करने के लिए, बट वो लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं, बिकॉज एक ऐसा ब्लैक स्वान आएगा आपका सारा पैसा साफ। असली पैसा सर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही है। और आप स्ट्रैटेजीज की बात करो, आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजीज जो बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर्स आपको देखते हैं, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ एंड ये फैक्ट है। हर स्ट्रैटेजी कोर यही होगा, वो घुमा फिरा के आपको स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे, बट कोर यही है। आपने लकी 7 खेला? लकी 7 क्या होता है? एक बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें बीच में क्या होता है, बीच में होता है लकी 7,
एक होता है बिलो सेवन, एक होता है अबव सेवन, ठीक है। टेबल होती है, मतलब चार्ट पेपर होता है, उसमें ऐसे दो बने रहते हैं, तीन कॉलम्स बने रहते हैं। अब एक ग्लास में रखी जाती है दो डाइस, उन डाइस को ऐसे घुमाते हैं टक 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 और फट, और जब वो डाइस खोलते हैं तो डाइस में अगर नंबर बिलो सेवन है तो पैसा डबल, अगर नंबर अबव सेवन है पैसा डबल, और अगर आपका लकी सेवन है तो पैसा ट्रिपल। मतलब ये दिवाली मेले में बहुत चलता है दिल्ली में, चलता था अब तो आई थिंक एक टाइम पे गैम्बलिंग की तरह हो गया था। तो पहले जब मैं बचपन में दिवाली मेले में बहुत चलता था, आई डोंट नो अगर आपने खेला कि नहीं खेला, लकी सेवन इसको बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स यही करवाते हैं, लकी सेवन करवाते हैं। आई टेल यू व्हाट, लकी सेवन को अगर जीतने की स्ट्रेटजी क्या है, अगर आपको इसको क्रैक करना है, गैम्बलिंग की स्ट्रेटजी क्या है, पहले आप 10 रुपए डालो बिलो सेवन अबव सेवन, एक साइड चूज करो, कोई भी चूज करो, आपने चूज किया बिलो सेवन, ठीक है। अब वो डाइस रोल हुए टक, अगर बिलो सेवन आया आपके 10 रुपए के 20 रुपए हुए, कांग्रेचुलेशंस। फिर आप दोबारा 10 रुपए डालो, फिर डाइस रोल हुए टक, अगर दोबारा बिलो सेवन आया आपको और 10 रुपए मिल गए, कांग्रेचुलेशंस जीत गए। अब बात आती है हारने पे, ठीक है। मैं 10 रुपए डाले बिलो सेवन, डाइस घुमाई टक, अबव सेवन आ गया, मैं 10 रुपए हार गया, 10 रुपए मेरे गए। अब मैं नेक्स्ट बेट में डालूंगा 20 रुपए, अगर मैं बिलो सेवन 20 रुपए जीत गया तो होगा क्या, मेरे पास 40 रुपए आ जाएंगे, मैं पहले का लॉस भी रिकवर कर लूंगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, सिंपल। तो मैं यहां पे बेट करूंगा 20 रुपए, अगर अब बिलो सेवन आ गया विन एक्सलेंट, मैं दोबारा 10 रुपए से शुरू कर दूंगा। बट अगर मैं 20 रुपए भी हार गया फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं डालूंगा 40 रुपए, मैं 40 रुपए भी हार गया फिर मैं डालूंगा 80 रुपए, मैं 80 रुपए भी हार गया फिर मैं डालूंगा 160 रुपए। सिंपल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक है कि एक ना एक बार तो भाई साहब मेरी बात मानी जाएगी, और जिस दिन बात मानी जाएगी मैं जीत जाऊंगा। इसलिए जितनी जिसकी जितनी बड़ी पॉकेट वो लकी सेवन जीत जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग यही करते हैं, जो बड़े बड़े आपको कोर्सेज और वो स्ट्रैटेजी जो बताते, दिस इज द थिंग, मैं आपको कोर बता रहा हूँ, अल्टीमेटली पूरा कर क्या हो गया, मैं कोरिया को दर्शाएगा, मैं अगेन 14 साल हुए मार्केट मुझे, वो यही है, आप एक बार हारे कोई नहीं डबल पैसा डालो दोबारा बैठ में, एक बार हारे कोई नहीं दोबारा बैठ में डबल पैसा डालो, और डालते रहो। इस चक्कर में लोग कर डाल डाल के घर बिकवा देते हैं अपना, एंड इट इज द अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर एक्चुअलिटी में बात करें स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने सबसे आसान है, आई टेल यू हाउ, मतलब कोई भी आदमी जो अवेयर भी ना वो भी कर सकता है। अगर आप किसी से पूछ लो कि यार मुझे बता दो 10 साल बाद कौन सी कंपनी टिकेंगी, 5 कंपनी जो 10 साल बाद टिकेंगी, वो क्या बोलेंगे आपको, सर टाटा पावर, TCS, टाटा मोटर, महिंद्रा, SGFC, आपको ऐसे रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनीज बता देंगे। अगर आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दोगे 10 साल बाद आपको प्रॉफिट आना ही आना ही, आपको ही पता है, मुझे भी सबको पता है, बट कोई कर नहीं रहा, और सच ये कि कोई आपको करने देगा भी नहीं। हाँ, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई करने देगा भी नहीं। आई टेल यू हाउ, क्योंकि मैं आपके फ्रेंड का एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं एंजल का एसोसिएट पर्सन हूँ, AP हूँ, है ना, तो मैं ज्यादा यूट्यूब में ज्यादा उसकी बात नहीं करता, मैं 2014 से, तो 2018 में मेरा दोस्त, उसको मैं उसके पास गया, मुझे डीमैट अकाउंट खोलना था उससे, मैं बोला भाई तू डीमैट अकाउंट खोल, और अब बस AP हूँ तो मुझे भी ब्रोकरेज में पार्ट मिलता है, मैंने बोला तू खोल है ना, अब आई वाज डेस्परेट दैट टाइम, राइट, खोल। उसने खोला, उसने 4.5 लाख रुपए डाल दिए। फिर उसको मैंने क्या बोला कि अगर तू मेरी सुनना चाहता है तो बाय PNG, बाय रिलायंस, बाय बाटा, बाय TCS, उसको ये मैंने 5-6 कंपनी दिलवा दी। 4.5 लाख का पोर्टफोलियो था 2018-19 लगा लो। आपको पता है आज उसका पोर्टफोलियो कितने का है, वो बस 2 दिन पहले ही आया था घर पे, आज उसका पोर्टफोलियो कितना हो गया, उसका पोर्टफोलियो फ्रॉम 4.5 लाख टुडे इज ऑफ 20 लाख। क्या दिमाग लगाया था मैंने उस पोर्टफोलियो में, कुछ भी नहीं। आपको लगेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, गोला ये क्या है, तो कोई भी कर ले, तो कोई कर क्यों नहीं रहा। आई टेल यू व्हाई, होल्डिंग अ स्टॉक सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हो यार, ये क्या है होल्डिंग स्टॉक, है आप स्टॉक होल्ड करके दिखा दो सर, खून जल जाता है। क्यों, जब है तो अच्छा यार वो स्टॉक चढ़ा है वहां जाने का मन करता है, अरे यार वो स्टॉक चढ़ा है वहां जाने का मन करता है, अरे यार अब तो क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो में पैसे, आदमी घूमता ही रहता है। वी आर बॉम्बार्डेड विद न्यूज, आप न्यूज को देख लो, न्यूज क्या करती है आपको, मार्केट उल्टा है, मार्केट गिर गया, ये हो गया, ये शेयर अच्छा, ये शेयर अच्छा, आदमी घूमता ही रहता है। एक आदमी चैन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो होल्ड ही नहीं कर सकता। आपको लोग करने ही नहीं देंगे सर, करने ही नहीं देंगे, दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। कोई करने ही नहीं देगा आपको, ये न्यूज वो अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, फोमो क्रिएट होता जाएगा। आप ब्रोकर्स का ले लो, डू यू थिंक ब्रोकर्स केयर अबाउट योर प्रॉफिट? ब्रोकर्स का सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आता है आपको पता है? इज इट डिलीवरी इन्वेस्टिंग? नहीं, ब्रोकर्स का मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू। तो क्या ब्रोकर बोलेगा आपको, नहीं नहीं फ्यूचर ऑप्शन छोड़ो सर, नहीं नहीं नो नो नो, मेरे पैसे आप सर, मेरे पैसे भाड़ में गए, आप करो इन्वेस्टिंग, मुझे आपकी परवाह है। And that is the reality of investing. यहाँ पे that is the reality of stock market. यहाँ पे सबसे difficulty holding है. और trading जो एक उम्मीद है कि सब बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है internet में कोई आपको profit and loss statement दिखा रहा है, कोई आपको ये दिखा रहा है, और आपके अंदर अभी भी doubt है कि गोयला तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, बट अगर हो रहा है ना,
तो अंडरस्टैंड दिस, आपको मार्केट्स में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है फिर, और ये आई कैन टेल यू विदाउट इवन नोइंग यू, विदाउट इवन सीइंग यू, बिकॉज ये रिएक्शन जब मैं, अगर मुझे इनिशियलिज्म को जाता, मेरा भी सेम रिएक्शन होता कि क्या बकवास करो, ट्रेडिंग बेस्ट है. बट रियलिटी ये है, ट्रेडिंग से सिर्फ और सिर्फ घर उजड़ते हैं. ट्रेडिंग से किसी भी आदमी ने पैसे नहीं कमाए, एटलीस्ट ना मैंने देखा है, ना कोई बड़ा फेमस आदमी से पैसे नहीं कमाए. ट्रेडिंग ये वो एक उम्मीद है जिसने लाखों घर बर्बाद कर दिए. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.